अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम आपको देने जा रहे हैं रेसिपी शीर कोरमे की, और इसमें हमने सबसे पहले एक पैकेट ले लिया है सेवइयों का, और उन्हें बहुत बारीक सा मैश सा कर लिया है हमने। बादाम, खोपरा, छुहारे, पिस्ता, इलायची और किशमिश, अगर आप पसंद करते हैं तो आप किशमिश भी ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क 2 टेबलस्पून हमने लिया है, देसी घी और केवड़ा एसेंस हम ले लेंगे, और तकरीबन 2.25 किलो हमने दूध ले लिया है, और इसको हम उबालने के लिए चूल्हे पे हमने रख दिया है। इनको अच्छी तरह से हम दूध को उबाल लेंगे और साथ में हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसकी बलाई जो है वो इसकी देश की दीवारों पर और नीचे जम ना जाए। और इसके अच्छा एक उबाल आने के बाद हम इसको धीमी आंच पे रख देंगे और इसको जो है वो ठीक होने देंगे और साथ साथ चम्मच भी चलाते रहेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इसकी बलाई जो है वो ज़ाया ना हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी तरफ हम डालेंगे एक फ्राई पैन में और जो हमने घी लिया है, घी डालकर इसको मेल्ट करेंगे, और उसके मेल्ट होने के बाद इसके अंदर हम सब्ज़ इलायची के जो हमने थोड़ा सा हमने खोल लिया था तो उसके बीच हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, इसका पाउडर बनाकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें आँच जो है हम बहुत हल्की रखेंगे। इस सारे फ्राई करने के अमल में हम आँच बहुत लाइट रखेंगे। जब इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें जो हमने मेवे लिए हैं वो सारे इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इन्हें 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इनको काट लिया है। तो अब आप इसका कच्चापन दूर करने के लिए इनको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे लगेंगे। जब आपके चम्मच में ये आते हैं और मुँह में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। आप कोई एक मेवा भी ज़्यादा मिकदार में ले सकते हैं और जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो भी आप ले सकते हैं। सोयाबीन बीच बीच में हमने शामिल कर दी हैं और आप देख रहे हैं कि हमने बहुत छोटी छोटी छोटा छोटा निकाल लिया है, और इसको फ्राई कर लेंगे और हल्की आंच पे, जैसे आपको बताया है हल्की आंच पे करना है इनको फ्राई, और उसके बाद इसको उतार लेना है। इसको फ्राई करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे क्योंकि हमने आंच को मध्यम रखा हुआ है। अगर आपने ज़रा आंच ज़्यादा की तो ये चल जाएंगी क्योंकि बहुत पहले से फ्राइड होती हैं। दूसरी तरफ हम इसमें दूध के अंदर हम कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। कंडेंस मिल्क में काफ़ी मीठा जो है वो शामिल है और ये हमने घर पे ही बनाया है। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क की इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रेसिपी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। कंडेंस मिल्क डालने से ये दूध आप देखेंगे काफ़ी थिक हो जाएगा और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो इसे हमने उबालते हुए अभी तकरीबन हाफ आवर हो गया है और इसमें काफ़ी थिकनेस आ गई है और तकरीबन ये 2 लीटर रह गया है। सोया इसमें हम शामिल कर देंगे, मेवा जो है वो शामिल कर देंगे। फ्राई पैन को हम थोड़ा दूर डाल के इसमें सारी सोया जो है इसमें शामिल कर देंगे, कुछ चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे, और इसको हम पका लेंगे। थोड़ा सा हमें थिक चाहिए, आपको कंडेंस इसमें कोई
कस्टर्ड पाउडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपना एक टेस्ट है, इसका अपना फ्लेवर है। अगर आप इसमें कस्टर्ड पाउडर वगैरह का यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें आप सिर्फ सेवैया ही शामिल करेंगे, और चूँकि शीर और खुरमा का मिक्स है तो या तो आप इसमें खुरमा जो है इस्तेमाल करेंगे मेवाजात, और या फिर आप इसमें सेवैया को ही यूज़ करेंगे, दूध होगा और सेवैया। तो ये तैयार है, हमने डिश आउट कर लिया है, आप ही बनाएं और इसे इंजॉय करें ईद पर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।